आइए अपना गीत सुनिए। चलो भाई, क्योंकि कहना है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, और बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। ऐसा मत समझना कि हर प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए वो जानता है लेकिन बता नहीं रहा। तो अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अरे बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने, क्योंकि घर आए हुए मेहमान वापस लौटाए नहीं जाते। इसलिए एक गीत बजा, इसीलिए सरल नाम है। और क्या एक गीत बजा, बजा जल्दी बताओ खलबली। अरे कैसे कटाई अकेले सारी रतिया, कैसे कटाई अकेले सारी रतिया, देखो बनम जी धोके धार के लखतिया। डूब जा हमारे, डूब जा हमारे रूपवा के पानी में, डूब जा हमारे रूपवा के पानी में, जला गलबा हमारी जवानी। ये तो भोजपुर वालों ने कहा है, लेकिन देखिए मैं मंच के माध्यम से प्रसंग आपको राम भगवान श्री राम की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये उजहर वाले कह रहे हैं, क्योंकि बचन पथ दशरथ हुए और कर नारी विश्वास, तो 14 वर्षों के लिए हुआ राम भगवान। रही 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 भैया भरत नंदीग्राम ननिहाल से लौट के जब अयोध्या की पावन नगरी में प्रस्थान किए तो मन में विचार कर रहे हैं भरतलाल कि आखिर यहाँ प्रातः काल घंटे और घड़ियाल की आवाज आती थी, तोता और मैना के ध्वनि गुंजित हुआ करते थे, लेकिन आज ये कुत्तों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुत्ते रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं। तो भारत जी ने जैसे महलों के अंदर प्रवेश किया, माता कैकेयी से पहले मिलते हैं, उनको सारा समाचार मिला कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी निकल गए हैं, और इधर महाराज दशरथ का भी प्राणांत हुआ है। तो देखिए भरत जी क्रोधित होकर के माता कैकेयी से कहते हैं, क्या अरे के भेजते हैं लू भैया, भारत जी कहते हैं माता कैकेयी
माता सीता को आपने वनवास कैसे भेज दिया भैया? परेशानी माँ पड़ गई नौ परानी कैलू देवर का अलग लक्ष्मण जी उर्मिला जी कैलू देवर का अलग बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान हुआ है इस पावन परम धाम नया पुरवा की पावन धरती पर एक से एक विद्वानों का समावेश रहा है आज से नहीं आदि से। ये 201 पत्र मुद्राएं और ये पुष्प पुच्छ माला हमारे लिए भेंट कर रहे हैं आदरणीय दादाजी। मैं आपके कर प्रणय को मैं आशीर्वाद स्वरूप में ग्रहण कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सुनिएगा ऐसा भरत जी ने कहा माता कैकेयी को तो कैकेयी ने जवाब क्या दिया? राजा से रानी हाई से टकरानी राजा से रानी हाई से टकरानी और घर का पुजायो नाचनी को तेरानी। केवल मेरे पंक्तियों को सुनेगा, हर लाइन में रानी 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 लगा हुआ है। राजा से रानी ऐसे टकरानी हर का पुजायो नातन को तेरानी। चेहरा है धोमिल चेहरा है धोमिल काहे तुहार रानी कुल कलंक बनियो देखो ठपुरा हो। बुद्ध हो मानी
है सम्मान लो, सब बातों को छोड़ के आंखों को पहचान लो, आंखों ने आंखों से वादे किए किए, प्रसंग ऐसा मिला, भगवान शंकर और माता भवानी एक वन में रमणीक स्थान में विहार कर रहे थे। राजा चंद्रसेन, महाराज सुतुंग घोड़े पर सवार होकर के और उस वन में गए जहां भगवान शंकर और माता भगवती पार्वती विहार कर रही थी। माता पार्वती के अर्धनग्न शरीर को जैसे ही राजा ने देखा, माता क्रोधित हो गई। शंकर जी से कहने लगी, प्रभु आप इस जगह पर रमण कर रहे हैं जहां पर ये रास्ता है। भगवान शंकर ने माता भगवती को वचन दिया, कहा देवी आज के बाद जो इस वन में आएगा वो नर से नारी हो जाएगा। पुराण में ये कथा मिली है, महाराज सुतुंग नर से नारी हो गए और जब नर से नारी हो गए तो अपने गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहा महाराज बताओ, तुम ही बताए दे, मैं राजा और एक नारी मैं बन गया हूं तो कैसे राजपाट संभालूंगा। वही महाराज सुतुंग पहले लड़की की कन्या के रूप में प्रकट हुए थे, उनको जबरदस्ती लड़का बनाया गया और लड़का बन गए तो राजा बन गए, राजा से फिर रानी बन गए, यानी नारी फिर नर फिर नारी। अब देखिए तो लीला हुई तो तुमने उल्टी करम कहानी और सूर्य वंश का राजा बन गया चंद्र वंश की रानी। महाराज सुदुम्न सूर्य वंश के और रानी बन रहे हैं, शादी हुई तो चंद्र वंश के। तो विदित हुआ जब साप सब होगा तो मुनिवर विज्ञानी किया प्रसन्न सदा शिव को, तो शिव बोले ऐसी वाणी। महाराज सुदुम जब नारी बन गए तो अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए, विश्वामित्र से बताया, विश्वामित्र ने कहा भाई हमसे नहीं होगा, चलिए शंकर जी के पास चलते हैं। जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी तो वचन पहले से ही हार गए कि जो वन में आएगा वो नर से नारी हो जाएगा। तो देखो शंकर जी कह क्या रहे हैं विश्वामित्र से, सुनिए के बात सेंट परसेंट हो, लेडी ना ये जेंट हो,
ना लेडीज होगी ना जेंट्स होगा, बात सेंट परसेंट हो लेडी ना ये जेंट हो, और माफ ना भूले की स्टाफ हो माफी इसकी हाफ हो। भाई राजा है तो राजा के साथ सेना भी है, अब सेना भी नारी बन गई तो कहा ऐसा करिए आप कि आधे आधे समय के लिए राजा बनेंगे, आधे समय के लिए रानी बन जाएंगे। आपके बाद हेडक्वार्टर में आ जाए तो नारी बनी नर, अरे नारी बनी नर, नर से नारी बनी, अब ये नारी बने और ना नर, पहले नारी बनी फिर नारी से नर बने, नर से फिर नारी बने, अब ये ना नारी बनेगा ना नर बनेगा। 15 दिनों के लिए नर और नारी में राज्यपाल संभालेंगे। सुना कि नारी बनी नर से नारी बनी, अभी ये नारी बने ना ये नर, तो झूठा वचन ना हो वचन, झूठा वचन ना हो वचन जो हमने वचन दिए, दुल्हन बने दुल्हन बने दूल्हा दुल्हन कुछ कुछ दिन के लिए, दूल्हा बनेंगे फिर दुल्हन बनेंगे, 15 दिन दूल्हा 15 दिन दुल्हन और राज्यपाल संभालेंगे। दुल्हन बने दूल्हा दुल्हन कुछ कुछ दिन के जैसा भी प्रयास रहा जो भी गीत रहा आपकी सेवा में समर्पित किया। अब आ रही है आदरणीय चेतना जी, आप लोग इनका कार्यक्रम सुने। फौजी भाइयों का कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद।